जो लास्ट सीजन वन की एंडिंग में मिली थी, सीजन दो में भी उसका कुछ पता नहीं चला है कि किसकी है। सो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू रिव्यू वीडियो पर, जहां आज मैं बात करने वाला हूं आश्रम वेब सीरीज के सीजन दो के बारे में। अभी देओल स्टारर आश्रम वेब सीरीज का सीजन वन आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने देखा ही होगा, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सीजन दो देखने से पहले सीजन वन देखो और फिर सीजन दो मत देखना, डायरेक्ट सीजन तीन ही देखना। गाइस, सीजन वन की अपेक्षा सीजन दो में इतना कुछ खास है नहीं जितना उम्मीद लगा के बैठे थे। वैसे आश्रम का सीजन टू एवरेज ही है, इवन बिलो एवरेज भी कह सकते हो इसको। एक्चुअली काफी लोग आश्रम सीरीज का बायकॉट कर रहे हैं धर्म से जोड़कर, बट मुझे लगता है कि इसका बायकॉट नहीं होना चाहिए। विकास या जो है सबको ज्ञान देकर ही जाती है कि भैया बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, ये तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे। और वैसे भी प्रेजेंट टाइम पर काफी सारे बाबा जेल में बैठकर मूंगफलियां खा रहे हैं। और दूसरा यह कि भैया किसी भी आश्रम को आश्रम जैसा बनाने में जो कलर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन इस सीरीज में जो भी कलर्स यूज किए गए हैं वो किसी आलिशान होटल वाला ही फील दिलाते हैं। एंड यह आश्रम आश्रम न होकर गुरमीत राम रहीम के ढाबे हवेली जैसा है, जहाँ पर गुफाएं भी हैं। अगर आपको लगता है या किसी बाबा की रियल स्टोरी है तो आपको रिफ्लेक्शन तो मिलेगा ही। विकास इसको ग्राउंड रियलिटी और अंधविश्वास को समझने तथा उससे बचने के लिए ही बनाया गया है। बाकी आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अगर बात करें सीजन दो की स्टोरी की तो सीजन दो का मैक्सिमम पार्ट राजनीति से संबंधित है, और इसमें जो काशीपुर वाले बाबा है वो कहीं सीएम सर के साथ तो कहीं हुकुम सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पता चलता है किस तरह से कोई भी बाबा राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करता है। और जो पॉप सिंगर टिंका सिंह है वो बाबा जी के लिए काफी सारे कॉन्सर्ट करता है, जिससे बाबा जी की पॉपुलरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इसके साथ ही ईसाई उजागर सिंह और साधु शर्मा का नशे वाला जो प्लान था वो भी सफल हो गया है। डॉक्टर नताशा उन दोनों के अंदर इतना नशा भरती है कि दोनों बाबा जी के नशा मुक्ति केंद्र में पहुंच जाते हैं और वहां से जो सबूत है उसे लाने में सफल हो गए हैं। बट अक्की जो कि एक पत्रकार है और सीजन वन में एक लड़की को बचा कर ले गया था अपने घर में, अपनी माँ के पास में उसने रखा था, बट आश्रम वालों ने ढूंढकर उस लड़की को मार दिया है, और जिसे देखकर जो अक्की की माम है वो भी चल बसी। इससे अक्की एक इलेक्ट्रिशियन बनकर आश्रम में पहुंच जाता है, वहां पर उजागर और साधु की मदद भी करता है। इधर तिधा चौधरी यानी कि बबीता बाबा जी के सिस्टम में घुसकर बाबा जी को बर्बाद करने की सोच रही है, और धीरे धीरे अब वह प्रधान सेविका भी बन चुकी है बाबा जी की। बाकी बाबा जी और भोपा भाई ने मिलकर पम्मी के पूरे परिवार की लंका लगा दी है। खैर वो तो ट्रेलर से ही पता चल रहा था, लेकिन पम्मी अक्की के साथ मिलकर आश्रम से बाहर निकलने में सफल हो चुकी हैं, बट सत्ती को मार दिया गया लास्ट एपिसोड में। बट इन सब के साथ में वन इम्पोर्टेंट थिंग कि सीजन दो में एक नया नाम सामने आया ईश्वरनाथ का, परंतु एक समय पर भोपा भाई की तरह से वह भी पुराने वाले बाबा जी का प्रधान सेवक हुआ करता था, और प्रेजेंट टाइम पर वह आश्रम से बाहर है। इवन उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका है, बट वह अभी भी जिंदा है। एंड आश्रम की जो जमीन है वह भी उसी के नाम है, लेकिन फिर भी निराला को गद्दी पर बिठाने वाले कागजात में उसका कहीं भी कोई भी हस्ताक्षर नहीं है, ना ही जिक्र है। इवन उसकी खुद की बेटी अभी भी आश्रम में ही है, और ऐसा क्यों है यह सब तो आपको सीजन तीन में ही पता चलेगा। खैर सीजन दो बहुत सारे सवालों को लेकर सामने आया है, लाइक बबता का इरादा क्या है, क्या पम्मी अपने परिवार का बदला ले पाएगी या फिर नहीं, और अभी सीएम हो गया है हुकुम सिंह जो कि बाबा जी का चेला है, तो अब बाबा जी को कौन रोकेगा। एंड क्या उजागर साधु और नताशा निराला बाबा को जेल तक भेज पाएंगे, एंड साथ ही जनता का अंधविश्वास कब टूटेगा। लेकिन इन सारे सवालों का सीजन दो में कोई भी जवाब मिलेगा नहीं आपको, बट इन सब का जवाब तो सीजन थ्री में ही मिलेगा या फिर उसके बाद। काफी सारी वेब सीरीज की तरह से इसको भी देखने के लिए आपको ईयरफोन की आवश्यकता पड़ेगी, एंड साथ ही फैमिली के साथ देखने वाली है नहीं है। बाकी बात करें स्टार कास्टिंग की तो सारे ही चेहरे लगभग पुराने सीजन वन की तरह से, केवल एक नया चेहरा ऐड हुआ है जो कि ईश्वरनाथ का, जो कि इस आश्रम की जमीन का मालिक है। तो अभी बात कर लेते हैं स्टार रेटिंग की। सीजन वन वाज सो गुड, बट सीजन दो को मैं केवल 2.5 स्टार ही दूंगा, बिकॉज इसको काफी ज्यादा लंबा भी खींच दिया गया है, एंड उतना मजेदार है नहीं जितना कि सीजन वन था। और वैसे भी किसी सीरीज की रेटिंग एक सीजन या दो सीजन देखकर करना इज नॉट सो गुड। बाकी आप आश्रम का सीजन दो देखो, एंजॉय करो, आपको फ्री में मिल जाएगी एमएक्स प्लेयर पर। बट अगर आप देख चुके हैं अभी तक इस सीरीज को तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि कैसा लगा सीजन दो। बाकी इस वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, सलाम, जय हिंद।